नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव स्वागत करती हूं आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। पूर्वी चंपारण के अरेरा शहर के 3 व्यवसायियों से मांगी गई रंगदारी के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। मोतिहारी के अरेराज पुलिस ने रुद्र सेना के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 पिस्टल, 14 जिंदा कारतूस, 1 गुप्ती चाकू और 6 मोबाइल जब्त किए गए हैं। साथ ही रंगदारी मांगने में इस्तेमाल किए गए केरला नंबर का सिम भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। दरअसल आरआरएस के गल्ला मोबाइल और मिठाई व्यवसायी से अपराधियों ने रुद्र सेना के नाम पर लाखों रुपए की रंगदारी फोन व मैसेज करके मांगी थी। गल्ला व्यवसायी मनोज कुमार, मिठाई व्यवसायी रामबाबू प्रसाद और मोबाइल व्यवसायी प्रिंस कुमार से 70 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। साथ ही रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी अपराधियों ने दी थी, जिसे लेकर एसपी मोतिहारी ने एक एसआईटी का गठन अरेराज डीएसपी के नेतृत्व में किया। एसपी द्वारा गठित एसआईटी ने घटना के महज 3 दिनों के अंदर इस मामले से जुड़े 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश कर दिया। एसपी द्वारा गठित एसआईटी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पहले टीम लीडर हरदिया निवासी बाबुल पांडे को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बाबुल पांडे के पास से रंगदारी मांगने में प्रयुक्त केरला नंबर मोबाइल का सिम, 1 पिस्टल, 14 जिंदा कारतूस, 2 लोडेड मैगजीन, 1 गुप्ती चाकू पुलिस ने बरामद किया। बाबुल के अलावा पुलिस ने रुद्र सेना के सदस्य सोनू कुमार, आर्यन कुमार, उज्जवल कुमार, रूपेश कुमार को गिरफ्तार किया है। नवगठित आपराधिक संगठन रुद्र सेना के सक्रिय सदस्य किशन पांडे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गिरफ्तार रुद्र सेना के गुर्गो के पास से पुलिस ने आरेराज के 31 व्यवसायियों की लिस्ट को बरामद किया है, जिन व्यवसायियों से रंगदारी मांगने की योजना इन लोगों ने बनाई थी। धन्यवाद। आरेराज के स्थानीय 3 व्यवसायियों से रंगदारी मांगी गई थी और अलग अलग व्यवसायियों से लगभग 60 से 70 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। उसके लिए हम लोगों ने एक टीम का गठन किया था और गंभीरता से इस केस को लिया हुआ था। डीएसपी आरेराज ने इस टीम का नेतृत्व किया है और इसमें 3 थानेदार हैं, हरसिद्धि, संग्रामपुर आरेराज के, उसके अलावा अंचल निरीक्षक आरेराज और गोविंदगंज के थाना प्रभारी ने निरंतर इसमें काम किया है। पूजा की जो व्यस्तता को के बावजूद इन लोगों ने इस केस को बहुत ही प्रोफेशनली और टेक्निकली हैंडल करते हुए इसको विद इन 3 डेज इसको डिटेक्ट किया है और सभी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से बहुत सारे आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं, जिसके संदर्भ में केस हो रहा है। एक अवैध हथियार है और कई गोलियां हैं, एक गुप्ती चाकू है, 2 मैगजीन्स हैं इनके पास, जो इनका निजी मोबाइल फ़ोन वो है, 2 मोबाइल फ़ोन जो छीने गए थे वो बरामद किया गया है, जिस मोबाइल फ़ोन से रंगदारी मांगी जा रही थी वो भी बरामद किया गया है। गिरफ्तारी के बाद इन लोगों ने अपनी और भी घटनाओं में संलिप्तता को उजागर किया है। एक मोबाइल की डिक्की छिनतई हुई थी गोविंदगंज में, उसके अलावा राज ओपी क्षेत्र में डिक्की तोड़ के पैसा निकाला गया था। तो लगभग इनके ऊपर आधा दर्जन से ज़्यादा केसेस हैं जिनमें इनको हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं और बाकी सारे केसेस में रिमांड किया जाएगा। और इसमें से जो मुख्य सरगना है, जिसका नाम बाबुल पांडे है, वो खुद भी एक ट्रांसपोर्टर है, 4 बसों को चलाता है,